आज वो दिन है जब एक बार फिर सुदेक्षा भाटी के घर के बाहर कैमरों की फ्लैश है, लोगों का जमावड़ा है, घर वालों के आंखों में आंसू हैं, लेकिन 2 साल पहले ये आंसू खुशी के थे जब माँ बार बार अपनी बेटी को बाहों में भर रही थी, लेकिन आज ये आंसू खुशी के नहीं बल्कि सुदेक्षा की मौत के गम के हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित दादरी कस्बे की ये बेटी जिंदगी के तमाम कठिन परिस्थितियों को चुनौती देकर अमेरिका तक पहुंच गई, लेकिन छेड़खानी में हुए हादसे ने उसकी जान ले ली। आइए जानते हैं कौन थी सुदेक्षा। साल 2018 में सुदेक्षा ने इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करके इलाके का मान सम्मान बढ़ाया था। आज उसकी मौत से हर किसी की आंखों में ऐसा दर्द छलक रहा है मानो उनके परिवार का कोई प्रिय उनसे बिछड़ गया हो। बता दें कि परीक्षा में टॉप करने के बाद सुदेक्षा को 3.8 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, जिससे वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। चाय वाले की बेटी सुदेक्षा को बेबसॉन कॉलेज में पढ़ाई के लिए 3.8 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली थी, जिसके बाद सुदेक्षा पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी। बता दें कि उन्होंने CBSE बोर्ड परीक्षा में 98% अंक हासिल किए थे और अपने जिले में पहला स्थान हासिल किया था। सुदेक्षा को कॉलेज से $7,428 प्रति सेमेस्टर की स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके अंतर्गत उन्हें 4 साल में 3.83 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। बता दें कि पढ़ाई के साथ साथ सुदेक्षा सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेती थी। कुछ वक्त वो वॉइस ऑफ वुमेन संगठन से भी जुड़ी रहीं, जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के विरोध में कार्य करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि वो खुद ही महिला अपराध की भेंट चढ़ गई। बता दें कि सुदेक्षा सोमवार शाम अपने चाचा के साथ मामा के घर जा रही थी, तभी उनकी बाइक बुलेट से टकरा गई और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। और हाल ही में वो छुट्टियों में घर आई हुई थी, जब ये हादसा हुआ तब सुदेक्षा अपने चाचा के साथ औरंगाबाद जा रही थी। सुदेक्षा भाटी के परिजनों का आरोप है कि जब बाइक से वो औरंगाबाद जा रहे थे, तब उनकी बाइक का बुलेट सवार 2 युवकों ने पीछा किया। कभी युवक अपनी बुलेट को आगे निकालते तो कभी छात्रा पर कमेंट पास करते। इतना ही नहीं, वो सिरफिरे चलते चलते स्टंट भी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया और बुलेट की टक्कर सुदेक्षा की बाइक से हो गई। बाइक गिर गई और सुदेक्षा घायल हो गई। सुदेक्षा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मसले पर बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि छेड़छाड़ की कोई घटना प्रतिदर्शी या मृतक छात्रा के साथ रहे लोगों ने तत्काल नहीं दी थी। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि बाइक को मृतक छात्रा का भाई चला रहा था, उनके चाचा उस वक्त बाइक पर नहीं थे। पुलिस का कहना है कि मृतक पक्ष ने कल एक तहरीर दे दी थी, लेकिन उसको वापस ले लिया गया। अभी तक तहरीर नहीं दी गई है, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। फिर भी पुलिस ये कह रही है कि विधिक कार्यवाही की जा रही है। सुदेक्षा को 20 अगस्त को अमेरिका वापस जाना था। इससे पहले ही सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। बता दें कि देश की टॉप आईटी कंपनी की तरफ से अमेरिका पढ़ने के लिए 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी सुदेक्षा को। गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील की रहने वाली सुदेक्षा बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सुदेक्षा के पिता ढाबा चलाते हैं। सुदेक्षा ने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूल से कक्षा 5 तक की पढ़ाई की। प्रवेश परीक्षा के जरिए सुदेक्षा का एडमिशन HCL के मालिक शिव नदार के सिकंदराबाद स्थित स्कूल में हुआ था।